बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद मुदस्सिर अली असगर यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर अली असगर, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल माजी जारी। लाइक द वीडियो बिफोर वी स्टार्ट इट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल माजी जारी, ये एक ऐसा ज़माना होता है जिसमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी होता है, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने खाना बना रहा था, वो कॉलेज जा रही थी, हम खेल कूद रहे थे। ठीक है, तो इसमें ये इसकी निशानियां हैं या पहचान है, समझ लें। ठीक है, सिंबल्स समझ लें जिनसे हमें पता चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो इसका फिक्र बनाने का तरीका तो आपको पहले ही पता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ही, शी, इट, नेम आ जाता है, और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो वाज आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम लगाते थे इज और आई के साथ लगाते थे एम, जबकि वही इज़ और एम पास्ट कंटिन्यूस में आके वाज बन गया। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स में हम आर और वर आर लगाते थे, जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वर की शक्ल इख्तियार कर गया है। बाकी इसके साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब वैसे की वैसे लगेगी। ठीक है, अच्छा इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। मैं फसल काट रहा था, आई वाज हार्वेस्टिंग। ये देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट आई यूज़ हुआ है, तो मैंने उसके साथ वाज लगाया है, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, आई वाज हार्वेस्टिंग क्रॉप। वी चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने वर यूज़ किया है, वर लीडिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तुम वहाँ हिजरत कर रहे थे, यू वर माइग्रेटिंग देयर। ठीक है, वो चूजे पैदा कर रहे थे, दे वर प्रोड्यूसिंग चिक्स। दे वर प्रोड्यूसिंग चिक्स, वो चूजे पैदा कर रहे थे, दे वर प्रोड्यूसिंग चिक्स। ये देखें, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला साबित कर रहा था, ही वाज प्रूविंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज़ हुआ है, तो मैंने वाज लगा दिया है, सिंगुलर सब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये उछल रहा था, इट वाज लीपिंग। इट चूँकि सिंगुलर है, तो मैंने वाज चूज़ किया है। शी वाज शेकिंग हर हेड, वो अपना सर हिला रही थी। ये देखें, यहाँ पे भी वाज यूज़ हुआ है, चूँकि शी सिंगुलर है। अली वाज टेमिंग द बेयर, यहाँ पे भी वाज यूज़ किया गया है। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरेज, अब वर्ड्सवर्थ एक बंदा है और कॉलरेज दूसरा बंदा है, तो ये दो मिल के क्या बन गया, प्लूरल बन गया, तो मैंने यहाँ पे वर यूज़ किया है। ये देखें, वर राइटिंग रोमांटिक पोएट्री, वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज रोमानवी शायरी लिख रहे थे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव टेंस, फेल माजी जारी मनफी, इसमें नहीं का इजाफा कर दिया गया है, बाकी सेम। ये देखें, और आपको इसकी कंस्ट्रक्शन पहले ही पता है कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखें, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। ये देखें, मैं फसल नहीं काट रहा था, आई वाज नॉट हार्वेस्टिंग क्रॉप, यू वर नॉट राइट लीडिंग देम, वी वर नॉट लीडिंग देम, यू वर नॉट माइग्रेटिंग, दे वर नॉट प्रोड्यूसिंग चिक्स, ही वाज नॉट प्रूविंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, इट वाज नॉट लीपिंग, शी वाज नॉट शेकिंग हर हेड, अली वाज नॉट टेमिंग द बेयर, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरेज वर नॉट राइटिंग रोमांटिक पोएट्री। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हमने नॉट लगा दिया।
पास्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव टेंस, फेल माजी जारी सवालिया, ठीक है। तो इसमें सवाल किया जाना है, ठीक है, सर सी बात है। हेल्पिंग वर्ब हमने शुरू में ले आना है, हेल्पिंग वर्ब वाज बाहर आ गया शुरू में आ गया, और इधर वर्ब बाहर आ गया शुरू में आ गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट्स प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखिए, क्या मैं फसल काट रहा था, ये देखें क्या शुरू में आ गया, सारे सेंटेंसेस में आप देखें क्या भी है एंड पे क्वेश्चन मार्क भी है, ठीक है। इधर देखें, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। ये देखें हेल्पिंग वर्ब सारे बाहर हैं। वाज आई हार्वेस्टिंग क्रॉप, वर यू बी लीडिंग देम, वर यू माइग्रेटिंग देयर, वर दे प्रोड्यूसिंग चिक्स, वाज ही प्रूविंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, वाज इट लीपिंग, वाज शी शेकिंग हर हेड, वाज अली टेमिंग द बियर, वर वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज राइटिंग रोमांटिक पोएट्री। इस बात की समझ ना आया आपने कमेंट में ज़रूर पूछ लेना है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस, फेल माजी जारी सवालिया मनफी, ठीक है। तो ये देखें, मनफी यानी नहीं और सवालिया यानी के क्या, बाकी सेम पहचान है, ठीक है। इसमें भी पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये देखें हेल्पिंग वर्ब पहले है, फिर सब्जेक्ट्स हैं, फिर नॉट है और फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये देखें, ये सारे सेंटेंसेस के शुरू में क्या है और इधर सारे सेंटेंसेस के शुरू में वर है, सारे सेंटेंसेस में नहीं यूज हुआ है, ये देखें बाकी सेम सेंटेंस है। ये देखें, क्या मैं फसल नहीं काट रहा था, क्या हम उनकी रहनुमाई नहीं कर रहे थे, क्या तुम वहाँ हिजरत नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो वाज इट नॉट, वाज आई नॉट हार्वेस्टिंग क्रॉप, वाज वी नॉट leading them, were you not migrating there, were they not producing chicks, was he not proving the quadratic formula, was it not leaping, was she not shaking her head, was Ali not taming the bear, were Wordsworth and Coleridge not writing romantic poetry। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।